नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शशि कुमार, आप देख रहे हैं रांची क्लब 2023 में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं धुरवा इलाका के अंदर ये जो रांची इंटरनेशनल स्टेडियम है, और जो कि हम इधर धुरवा इलाका में आए हुए थे तो देख रहे हैं इधर स्टेडियम के लाइटें जल रही हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं स्टेडियम के लाइट क्यों जल रही है, जबकि तकरीबन अभी टाइम बता दे दोस्तों तो 9:30 बजने वाला, रात्रि 9:30 बज चुका है और स्टेडियम के लाइट जल रही है। तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर होगा। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। हम आपको आज दिखाएंगे रांची इंटरनेशनल स्टेडियम की लाइव तस्वीरें, और वो भी रात्रि वाली तस्वीरें। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो के लास्ट तक। तो देखिए दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए स्टेडियम, और बहुत कोशिश करने के बाद पता चला है कि ये जो आप देख रहे हैं JSSC स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम में सोमवार 16 अक्टूबर से मुश्ताक अली T20 क्रिकेट टूर्नामेंट खेले जाएंगे। और बता देना चाहते हैं दोस्तों, टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रही है, जिसमें गुजरात, गोवा, मणिपुर, रेलवे, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश की टीमें शामिल है। रांची में ग्रुप सी के मुकाबले खेले जाएंगे, यानी ये जो टीमें हैं ग्रुप सी के टीमें हैं मुकाबले जो खेले जाएंगे, ये 27 अक्टूबर तक चलने वाली टूर्नामेंट है जो कि यहाँ पे खेले जाएँ। टूर्नामेंट के सभी मुकाबले JSSC स्टेडियम यानी ग्राउंड यही स्टेडियम में खेले जाएंगे। तो दोस्तों, पहला जो मुकाबला होगा पंजाब होगा, और दूसरा मुकाबला होगा पंजाब अरुणाचल बनाम गुजरात, आंध्र प्रदेश बनाम गोवा और मणिपुर बनाम रेलवे का मुकाबला होने जा रहा है। 16 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक ये मैच जारी रहेगी। और ये जो आप रांची इंटरनेशनल स्टेडियम जो देख रहे हैं दोस्तों, रांची इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन ये जनवरी में हुआ था, 2013 जनवरी को हुआ था। पहला वनडे मैच 19 जनवरी 2013 में खेला गया था, जो कि भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया था मैच। इस स्टेडियम में अब तक की इंडियन प्रीमियर लीग के 7 मैच आयोजित हो चुके हैं, अभी तक टोटल 7 मैच हो चुके हैं इंडिया के प्रीमियर लीग। देख पा रहे हैं दोस्तों, ये साउथ गेट की तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये रात्रि 9 बज चुके हैं, 9:30 बजे के आसपास यहाँ की से तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। रांची स्टेडियम इंटरनेशनल स्टेडियम की एक खूबसूरती तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये साउथ गेट है जहाँ से लोग एंट्री यहाँ से होता है। हालांकि अभी गेट बंद है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कुछ तस्वीरें लेने की। और जो आपको ये वीडियो में आप देख रहे हैं, ये रात के तस्वीरें लिए गए हैं, और ये रात में हम आपको दिखा रहे हैं रिकॉर्डिंग करके। बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें हैं ये झारखंड के इंटरनेशनल स्टेडियम, और इसका नाम बता देना चाहते हैं दोस्तों, धोनी पवेलियन भी बोला जाता है, अमिताभ चौधरी पवेलियन भी बोला जाता है इसे। यही आपका स्टेडियम है, जो कि दो गेट है, एक साउथ गेट एक नॉर्थ गेट। अगर बात करें साउथ गेट की, तो साउथ गेट से अगर आप एंट्री करेंगे, ये जो देख रहे हैं आप साउथ गेट देख रहे हैं, साउथ गेट से अगर आप एंट्री करेंगे तो MS धोनी पवेलियन लिखा मिलेगा, और नॉर्थ गेट से अगर आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पे आपको अमिताभ चौधरी पवेलियन लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। ये जो आप देख रहे हैं, आप वो कोशिश करेंगे आप दिखाने का जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, महेंद्र सिंह MS धोनी पवेलियन को बहुत ही खूबसूरती के साथ। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।